और सूरज चाहे कितना भी कहर बरसाए और पारा चाहे जितना भी हाई हो जाए, पर मेहनत कश हर वक्त रहते हैं तैयार। आपको सुबह नाश्ते में मिलेंगी गर्मा गर्म पराठे और चाय, और खाने में मिलेगी तंदूरी नान, क्योंकि मामा है बिल्कुल तैयार। मुल्क के सबसे बड़े साहिली शहर कराची को एक मरतबा फिर गर्मी की शदीद लहर का सामना है। कड़कती और चिलमिलाती गर्मी में आज भी ऐसे मेहनतकश मौजूद हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए सख्त धूप में काम करने पर मजबूर हैं। लेकिन जनाब, आप ना हो परेशान, सूरज चाहे कितना भी कहर क्यों ना बरसाए और सवा नेजे पर ही क्यों ना आ जाए, पर आपको सुबह नाश्ते में मिलेंगे गर्मा गर्म पराठे और चाय, और खाने में मिलेगी तंदूरी नान, क्योंकि मामा है बिल्कुल तैयार। लड़ रहे हैं गर्मी से वो सुबह शाम, कोई जलते तंदूर के सामने खड़े होकर रोटियां लगा रहा है तो कोई गरम तवे पर पराठे, मगर कुछ मेहनतकश ऐसे भी हैं जो गली गली घूमकर आवाम को पहुंचाते हैं आराम और गर्मी के दुश्मन सत्तू को पिलाते हैं दिनों रात। आइए कुछ बात करते हैं उन मेहनतकशों से जो अपनी परवाह किए बगैर आवाम को पहुंचा रहे हैं आराम। गर्मी हो गई, कस्टमर इस टाइम जब सर्दी था वो ठल फुल भरा था, अभी गर्मी है कोई कस्टमर बैठे हुए हैं, दूध भी बचा हुआ है। जी भाई, गर्मी बहुत है और कारोबार जो है ना बिल्कुल ठंडा हो गया, गर्मी बहुत है भाई, आपके सामने खड़ा हुआ है ना, बिल्कुल कारोबार सिपर में खड़ा हो गया गर्मी की वजह से। कारोबार तो माशाल्लाह सही चल रहा है, ये गर्मी जो पड़ रही है यही इसकी वजह से बहुत कारोबार माशाल्लाह। इस मौके पर सत्तू बेचने वाले मोहम्मद इरफान का कहना था कि गर्मी अभी बहुत ज्यादा है, जुमेरात का दिन का बताया उन्होंने कि जुमेरात तक बहुत ज्यादा पड़ेगी, उसके बाद थोड़ा सा मौसम चेंज होगा। पहले एक दो दिन काम जो हमारा वो नहीं चला, अभी माशाल्लाह बहुत काम चल रहा है। मेहनत कशों का मजीद कहना था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हमारे हौसले कम ना होंगे। कैमरामैन राणा उबैद के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची।